हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोंटी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं दोबारा से जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ और मैं सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वही चीज़ लेकर मैं आपको आपके साथ आया हूँ दूसरी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहले ये जानिए कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है, यानी कि आपको फैट लॉस करना है या फिर आपको मसल गेन करना है। मसल गेन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फैट लॉस करेंगे, उसमें मसल गेन नहीं होगी, मसल गेनिंग भी होगी, फैट लॉस भी होगा, लेकिन जो पर्टिकुलरली आपको वेट गेनिंग करनी है, यानी कि जो दुबले पतले लोग हैं, तो पहले तो आप अपना गोल जानिए। तो सबसे पहली चीज़, जो पहला पॉइंट है, वो चीज़ है कि आपका 75% डाइट होती है और 25% आपका वर्कआउट जिम होता है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि 75% आपको डाइट पर फोकस करना होगा। यानी कि मैं बताता हूँ, आप हेल्थी हैं, आपकी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, पहला काम, आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डे बाई डे, यानी कि आप दिन में 3 मील लेते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं या 2 टाइम खाना खाते हैं या 4 टाइम खाना खाते हैं, तो आप खाना नहीं छोड़िए। खाना छोड़ने से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी होगी ना वो ख़त्म होती जाएगी, आप थके हुए लगेंगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी और इस चीज़ से फैट बढ़ता है ना कि कम होता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको, जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं एक टाइम में, आपको 1 रोटी कम कर देनी है, ठीक है जी। यानी कि आप दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं और 3-3 रोटी खा रहे हैं, 4-4 रोटी खा रहे हैं, तो आप 1-1 रोटी कम कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन 1 रोटी कम करने में कुछ नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपको वो आदत पड़ती जाएगी। सेकंड थिंग इज़ कि आपको अपनी सब्जी, जो आप सब्जी से खा रहे हैं, दाल से खा रहे हैं, यानी कि रोटी की क्वांटिटी कम और सब्जी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि फैट लॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन गेनिंग के लिए उल्टा है। यानी कि आप 2 रोटी खा रहे हैं, आप 2 टाइम खाते हैं खाना, आप 3 टाइम कर दीजिए, आप 2 रोटी खा रहे हैं, आप 1 रोटी बढ़ा दीजिए, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उल्टी का एहसास होगा, उल्टी आएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ दिन में आप इसके आदी हो जाएंगे। यानी कि आप अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में, एक तो आप एक डाइट बढ़ा दीजिए किसी भी टाइम, साथ में 1 रोटी भी बढ़ाइए, ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 75% आपकी डाइट पर चीज़ें निर्भर करती हैं और 25% आपके वर्कआउट पर। आप जैसे वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आप बॉडी वेट वर्कआउट कीजिए, यानी कि आपको डायरेक्ट जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही वर्कआउट कीजिए। उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगा कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या करना है, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप बाहर का खाना छोड़िए नहीं, लेकिन कम कर दीजिए। यानी कि आप जंक फूड जो होता है, सबसे ही बकवास चीज़ है, टेस्ट के लिए अच्छा है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको जंक फूड बंद करना पड़ेगा। अगर आप डेली खा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेकार चीज़ है ये, इंटरनल ऑर्गन के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। तो आप सबसे पहले तो जंक फूड खाना कम करिए। अब ऐसा नहीं है कि वो भी कमा रहे हैं, उनके भी काम धंधे हैं थोड़े, कि हम जंक फूड सबको छोड़ देंगे तो उनके काम धंधे भी बंद हो जाएँ और हमारा टेस्ट भी बंद हो जाए। लेकिन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके घर का खाना खाइए। हाँ, ये है कि घर का खाना थोड़ा कम स्वाद होता है, सॉरी हंसने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया कम स्वाद खाने से, लेकिन घर का खाना थोड़ा कम स्वाद होता है लेकिन शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत लाभदायक होता है। तो आप घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि उसमें जो मसाले होते हैं लिमिटेड होते हैं, और हल्दी हो गया, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, सब चीज़ें अच्छी हैं बॉडी के लिए। लेकिन जो बाहर के होते हैं खाने, उसमें पता नहीं कौन कौन से मसाले होते हैं और जो बॉडी को सूट भी नहीं करते हैं, काफ़ी लोगों के पेट भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप बाहर के खाने को थोड़ा सा कम करिए और जितना हो सके घर का खाना खाइए, कम मसाले का खाना खाइए, ताकि आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। अब जैसे पतले लोग होते हैं, क्या होता है कि वो खाना खाते हैं, उनको बार बार वॉशरूम जाते हैं खाना खाने के बाद, यानी कि खाना अच्छे से पचता नहीं है, वो वॉशरूम के द्वारा निकल जाता है बाहर। तो एक सीरप आता है डाइजेस्टिव एंजाइम करके, यानी कि बहुत सारी कंपनी के सीरप होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि आपने खाना खाया तो 1/2 चम्मच सीरप वो पी लीजिए। उससे क्या होगा, जो आपने खाना खाया है वो आपकी बॉडी में लगेगा, वो आपका पचेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 75% अपनी डाइट सुधारिए, उसके बाद 25% अपना धीरे धीरे बॉडी वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। अब जैसे कि मैं जाता था, मेरे घर के पास एक क्वालिटी फास्ट फूड है, तो वो बहुत स्वाद चाउमीन बनाता है, यानी कि रात को 10 बजे
ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं उसकी चाउमीन नहीं खाता था, और मेरा पेट जो था ना वो गुंबद बन गया था, गुंबद, यानी कि बहुत ही अनहेल्दी खाना। मैंने सब चीज़ें खा रखी हैं, सब चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अब मैं, मेरी बॉडी फुल फैट में थी अभी, ओनली 15 डेज में नेचुरली मैंने अपनी बॉडी थोड़ी शेप में ले आया हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा शेप में नहीं है लेकिन शेप में है ओनली 15 डेज में। क्यों? मसल मेमोरी, मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका हूँ तो मेरी बॉडी रिकवरी बहुत जल्दी करती है। मैं अपने डाइट पर ध्यान देता हूँ, इसलिए 90 दिन में तो मैं बहुत कैड़ी बॉडी बना दूंगा और आप लोगों की भी बनवा दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 75% अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, 25% मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा, होम वर्कआउट बताऊंगा, बहुत आसान वर्कआउट बताऊंगा जो कोई भी अपने घर पे आसानी से कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होम वर्कआउट एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है जी। तो ओके, थैंक यू, और लास्ट वीडियो में आपने लाइक करे, मुझे अच्छा लगा, लाइक भी आए, थोड़े व्यूज़ भी आए, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ जितने लाइक्स आए कहने के बावजूद, तो कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, और मैं कमेंट ऑन कर दूंगा, प्लीज़ कुछ गलत कमेंट ना करें, कुछ अच्छा कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके, साइनिंग ऑफ़।